नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। हम आपको बता दें, ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास 4 है। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं। हमने पहली क्लास में बात की थी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश, जिसमें हमने बताया था कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, वहीं अफगानिस्तान की हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 80 किलोमीटर लगती है। उसके बाद हमने बात की थी भारत के आइलैंड यानी भारत के द्वीप, जिसमें हमने बताया था कहाँ है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी और बताया था भारत का दक्षिणतम बिंदु। उससे अगली क्लास में हमने बात की थी गंगा नदी तंत्र की। हमने बताया था गंगा नदी का उद्गम स्थान और कहाँ किन दो नदियों के मिलने के बाद कहते हैं हम उसे गंगा, और बांग्लादेश में उसे क्या कहते हैं, और बताया था गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लेक्चर हमारे वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की और बताएंगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ और क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और भारत में और बांग्लादेश में, और बताएंगे अक्सर स्टेट PCS में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें भारत का नदी तंत्र दो भागों में बांटा गया है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हम आपको बता दें ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। हम आपको बता दें मानसरोवर झील के पास से ही सिंधु नदी भी निकलती है, इसलिए अक्सर क्वेश्चन आता है किन दो नदियों का स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का। आगे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का अधिकांश भाग चीन में प्रभावित होता है। चीन में इसका नाम यारलैंग सांगपो है। चीन मीन्स चीन का तिब्बत अधिग्रहण क्षेत्र में इसका मानसरोवर झील है जो कि अब चीन के अंडर आता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और नमचा बरवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसको यू टर्न या घूमकर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें चीन में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें एग्जाम में तिब्बत भी आ सकता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत वाला क्षेत्र है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे चीन ने अधिग्रहण कर रखा है। अभी ये चीन का हिस्सा है। आगे दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। ये दो सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित, जो कि इसकी वो नदियां जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। यहीं पर माजुली द्वीप बनाता है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हम आपको बता दें माजुली द्वीप एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है। माजुली द्वीप है जो कि भारत में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। आगे चलकर तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश, आगे चलकर यह नदी असम में प्रवेश करती है और यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें गुवाहाटी तेजपुर डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। सुबनसरी नदी आसाम में इसमें मिलती है। सुबनसरी एक सहायक नदी है जो आसाम में मिलती है। इससे पहले दिबांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश की है जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। दिबांग लोहित सुबनसरी ये सभी सहायक नदियां हैं जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मानस नदी भी आसाम में मिलती है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, जैसे चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिल जाती हैं तो इन्हें मेघना नाम से जाना जाता है। आगे ये वो भी बता रहा है कि आगे चलकर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ, पगलादिया, धनसरी, जिया भरेली, पुथीमारी, धनसरी, सुबानसरी और मानस। सुबानसरी और मानस असम में मिलती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र, इसका आंसर होगा तिब्बत, बांग्लादेश, भारत।
तिब्बत किस गए, कहीं ऑप्शन में चीन भी आ सकता है, वैसे तिब्बत ही है लेकिन आपको बताया था वो चीन का अधिग्रहण क्षेत्र है जिसे उसका नाम अब तिब्बत नहीं चीन ही बोलते हैं, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। इसके अलावा निम्नलिखित नदियों में से किनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसके अलावा मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, हमने आपको बताया था कि मानस नदी असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो इसका भी आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। इसके अलावा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस किस नदी का स्रोत है, तो वहां वैसे तो दो नदी का लेकिन एक और नदी भी है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, वही मानसरोवर की झील के पास निकलती हैं तीन नदी। हमारे आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं आपको हम नए नदी तंत्र के साथ।